अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की हमारी प्रोडक्ट स्पासलर पी सिरप है 60 ml। और सबसे पहले मैं आपको इसके यूज बता दूं। ये बेसिकली यूज़ होता है एब्डोमेन पेन के लिए, जो पेट का दर्द होता है, पेट के आसपास का दर्द, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो मैदे के अंदर कोई ज़ख्म वगैरह हो जाए, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा पित्ते की नाली या पेशाब की नालियों की तकलीफ में भी इस्तेमाल हो सकता है ये। और मतली या कैब वगैरह आना, उसको रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जो इसके अलामात पर इस्तेमाल हैं, मैं आपको बता दूं कि ये गुर्दा और जो पित्ते की पथरी होती है, उसकी वजह से जो दर्द वगैरह होता है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। और पेट में मतलब कि नामालूम जगह पे आपको दर्द महसूस हो, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इजीली। बाकी इसके इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल का तरीका है, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, शेरख्वार बच्चे, ये एक चाय का चम्मच होता है, छोटा चम्मच, वो दिन में 3 टाइम यूज़ करवा सकते हैं आप उसको बच्चे को। और 1 साल से लेकर 6 साल तक जो बच्चे हैं, वो 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में तीन से चार मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और 6 साल से ज़्यादा जो उम्र के बच्चे हैं या बालिग अफराद हैं, वो दिन में 3 से 5 बार एक एक चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको बता दूं कि जिन पेशेंट्स को अगर दूध बढ़ा हो, जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से पेशाब में रुकावट भी हो सकती है और पेशाब रुक रुक के भी आ सकते हैं आपको, जिसको वजह से आपको तकलीफ का सामना हो सकता है। इसके अलावा वो मरीज जिनकी आंतों की बीमारी हो, जिनको, वो इसका इस्तेमाल ना करें। और वो पेशेंट्स जिनके काला मोतिया वगैरह हो आँख के अंदर, वो पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी प्रेगनेंसी के अंदर कुछ हद तक ये अलाउ नहीं है। अगर आपने प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करना है, तो आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें, उसके बाद यूज़ करें। और लैक्टेशन में यूज़ हो सकता है, ये लैक्टेशन में अलाउ है। बाकी इसके अलावा इसको कौन से पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसको ब्लड प्रेशर के मरीज भी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। बाकी वो पेशेंट्स जिनको गुर्दे और जिगर का मसला हो, उनके लिए एहतियात आज़मी है, वो इसको इस्तेमाल ना करें। और वो बच्चे जिनको मतलब कि बुखार तेज़ हो, उस सूरत में इस सिरप को ना दें आप, उसका बुखार कम हो जाए उसके बाद उसको दें। बाकी इसके अलावा आपको किसी मेडिसिन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये AGP फार्मा की प्रोडक्ट है। AGP फार्मा एक मल्टीनेशनल फार्म है, और इसकी जो सितंबर 2021 की अपडेट प्राइस है, ये 140 rupees है, 140.28 rupees है। 60 ml के अंदर ये अवेलेबल होती है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।